हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट स्टडी इंडिया में। हम लोग बीएससी सेकंड सेम की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। आपके इस पार्ट ए में मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का परिचय, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है वो पढ़ा। हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप सॉल्व करना आप सीख रहे हैं, ठीक, जिसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो पढ़ लिया है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अब कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होते हैं। और होमोजीनियस इक्वेशन पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या था कि वेरिएबल्स जो थे उनको बाद में सेपरेट किया जाता था, फिर सॉल्व किया जाता था। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों को हम एक्स वाई का फंक्शन बनाते थे, दोनों के सेम डिग्री रखते थे। ऐसा करने के बाद हम होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे। मैंने होमोजीनियस इक्वेशन के क्वेश्चन अपने इस वीडियो के पहले लेक्चर में कराए हैं। आज हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन का पार्ट टू करने वाले हैं, ठीक। इस पार्ट टू में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी रख पाएं और इनमें आपको समझने में कोई डाउट भी ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये रहा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के आज के इस प्रोसेस में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आज का ये है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। क्या आप वेरिएबल सेपरेबल लगा पाएंगे? अगर आप वेरिएबल सेपरेबल लगा पाते हैं तो लगाइए, अदरवाइज अगर वेरिएबल सेपरेबल के अलावा पहले ट्राई करेंगे क्या होमोजीनियस बन पाता है कि नहीं बन पाता है, ठीक है। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट कर लेते हैं वो भी ठीक है, आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका भी काफी सही है, ठीक है। आप इक्वेशन में ट्राई करिएगा पहले होमोजीनियस बन पाता है कि नहीं बन पाता है। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था वाई स्क्वायर, इक्वेशन था वाई स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन क्या लिखा गया, इक्वेशन था वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार क्वेश्चन मैच कराते चलेंगे, ठीक। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका, हम वाई स्क्वायर छोड़ देंगे, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, सही है। क्या बचेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, सही है, ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, क्या देखो वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, अगर एक्स कॉमन में निकालोगे तब भी यहाँ एक एक्स बच जाएगा, यानी वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हो पा रहे। अच्छा ठीक है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे तो क्या करना चाहिए, अब एक काम करिए, यहाँ से आप डायरेक्टली क्या करिए, नंबर्स को इधर भेज दीजिए, यहाँ तो इतना हुआ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर यही रहने दो, ये वाला नंबर नीचे ला दो, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन में, जरा ऊपर की डिग्री देखो, ऊपर भी दो नीचे भी दो, दो डिग्री वाले टर्म्स हैं, मतलब सब कुछ अभी तक तो ठीक चल रहा है, ठीक है। अभी अगर ठीक है तो आप वाई इक्वल टू क्या पुट करते थे, वी एक्स, ऐसे लिखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमने बना दिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्या बना दिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और अगर एक्स वाई का फंक्शन बन गया है तो एक्स वाई का फंक्शन बनने के बाद क्या करते थे, एक्स वाई का फंक्शन अगर बन गया तो आप करते थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस का नाम देते थे, लिखिए विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो आगे क्या किया जाता है, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो कितना मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, सही है। ये दोनों की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन थ्री है, ठीक। आपको वैल्यूज उठा के रखनी है, रखिए वाई इज इक्वल टू वी एक्स रखिए और इसकी पूरी वैल्यू रखिए, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, एक्स वाई, एक्स वाई मतलब वाई जगह रखेंगे वी एक्स, तो वी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हुआ, वी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉमन वी माइनस वन, सही है, इतना तो ठीक है। अब क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया,
ठीक, क्या बचेगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू बचा v स्क्वायर अपॉन में कितना v माइनस वन। हम क्या करेंगे x डीवी बाई डी एक्स छोड़ देंगे, v को उधर लेके चलेंगे, तो v स्क्वायर अपॉन v माइनस वन माइनस v, सॉल्व कर दो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस v डिवाइडेड बाई v माइनस वन, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा x डीवी बाई डी एक्स, वी स्क्वायर से वाला कट गया, कितना आएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा v अपॉन v माइनस वन। ठीक, अब देखो dv अपॉन में इधर लेके आओ इसको, dv अपॉन कितना हो जाएगा ध्यान से करना, ठीक इधर कर देते हैं, देखो यहाँ पे इधर करते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाएगा, इसको इधर लेके आओ अपॉन में कर दो कितना हो जाएगा v माइनस वन अपॉन वी डी वी, डी एक्स को इधर भेज दो, डी एक्स अपॉन कितना हो गया x, तोड़ दो इसको, वन माइनस वन बाई कितना हो जाएगा v हो जाएगा, dv हो जाएगा, डी एक्स अपॉन x हो जाएगा, सही है, चलो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट, चलो इंटीग्रेट कर दो, कितना मिल जाएगा इंटीग्रेट करने, वन का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में, v माइनस का कितना हुआ log v, ठीक इधर तो सही है, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा log x, ठीक माइनस में है तो यह मान सकते हो, माइनस चाहे प्लस कोई भी log c मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, log c कुछ भी माना जा सकता है। ठीक, अब यहाँ कितना आएगा v माइनस log v छोड़ दो, इधर देखो कितना आ जाएगा log v माइनस log c लिखा हुआ है, यहाँ फिर से लिख देता हूँ log v माइनस log c लिखा हुआ है, इधर था हमारा log x प्लस log c, ठीक ये भी सही है। अब देखो जरा log x प्लस log c कितना हो जाएगा log x c, सही है, हमने वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट माना हुआ है, तो log x प्लस log c हो गया log x c, ठीक है। अब यहाँ कितना आएगा v इज इक्वल टू प्लस वाला उधर चला गया माइनस वाला उधर गया तो प्लस हो गया, तो log ऑफ x c प्लस log ऑफ कितना हो जाएगा v होगा, अब log ऑफ x c प्लस log ऑफ v, ठीक v इज इक्वल टू log ऑफ x c प्लस log ऑफ v, तो v इज इक्वल टू log ऑफ x c प्लस log ऑफ कितना बचा था v, तो कितना हो जाएगा देखो फिर से log m into n बन रहा है, तो ये फिर से बनेगा x c into v log m into n। अब बताओ एक्स सी वी यहां से अगर हम करें इस तरीके से तो एक्स सी वी लॉग को इधर भेजते तो e टू द पावर कितना हो जाएगा v हो जाएगा। अब देखो एक्स सी इंटू वाई की वैल्यू क्या थी, y थी हमारी y बाई एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू था वी एक्स, तो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, सही है ठीक, इसी का यूज करके हमने यहां लिखा है y बाई एक्स, और e इज इक्वल टू यहां से भी लिख देंगे y बाई एक्स, देखो ये तो कट गया, ठीक क्या बचा y इज इक्वल टू c, कहां आ जाएगा c आ जाएगा नीचे, यहां आ गया e टू द पावर y by x, e to the power y by x, इसका देखो ये भी आंसर हो सकता है, या अगर वहां पे आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हमने प्लस log c माना हुआ था आप उसको माइनस log c मानते तो इसी का आंसर इस तरीके से भी आता, वो ठीक है कांस्टेंट की वैल्यू में वन अपॉन c हो चाहे c हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ऐसे हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, देख लो इससे एक पार्ट, जस्ट इससे पहले का पार्ट कौन सा था, ये वाला इससे पहले का पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट है जिसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ था, हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट करके यहां तक पहुंचाया, RHS में हमने f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन बनाया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू vx पुट करते हैं, पुट करके सॉल्व करके देखा तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हुआ, सॉल्व करने के बाद लास्ट में v को फिर से वापस y बाई एक्स से रिप्लेस कर दिया और हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होगी तो आप जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप पहले नोट करते चलिए, बारी बारी से आप नोट करिए, ये इससे पहले वाला पेज, ठीक ये पहला पेज स्क्रीनशॉट लेके चलिए, इसका दूसरा वाला पेज ही रहा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा अब। ठीक, ये तो पहला क्वेश्चन था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर क्या लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स देन एक्स वाई। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ तीन पाँच करना पड़ेगा। ठीक, आइए इसको यही सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, हमें पहले ये चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है अथवा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा कि नहीं लग पाएगा, लग जाएगा तो लगा दीजिए, अगर वेरिएबल सेपरेबल लग जाए तो वेरिएबल सेपरेबल लगा के करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है एक्स वाई। ठीक है, एक काम करिए आप,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कर दीजिए एक्स वाई अपॉन में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब देखिए इधर फंक्शन बन गया क्या एक्स वाई का, बन गया, ऊपर दो डिग्री नीचे भी दो डिग्री है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये बन गया फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, होगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हमारा कौन सा होगा, ये इक्वेशन वन होगा, ये इक्वेशन टू होगा, ये इक्वेशन थ्री होगा। हम क्या करेंगे, यूजिंग टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन, यूजिंग टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन रख दो पहले इक्वेशन में उठा के, क्या बन जाएगा पहले इक्वेशन में रखने पे, बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे रखो, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर हम जो रखना है वो रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे, देखो यहाँ पे रख दो यहाँ उठा के, कितना हो गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ रखो एक्स छोड़ दो वाई के प्लेस पे वी एक्स, ठीक, और यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर वाई के प्लेस पे वी एक्स, मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही है। कितना बनेगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई देखो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा और यहाँ कितना आएगा वन प्लस वी स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, वी को उधर लेके जाओ माइनस वी, बिल्कुल ठीक। अब कितना आएगा देखो, वी माइनस वी और यहाँ से कितना होगा माइनस ऑफ वी क्यूब डिवाइडेड बाई वन प्लस वी स्क्वायर, सही है, बिल्कुल ठीक। अब क्या करना चाहिए, एक्स डी वी बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखना क्या बचना चाहिए अब, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा माइनस वी क्यूब अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, सही है। अब क्या आएगा, इधर भेज दो वन प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस वी क्यूब डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, सही है, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसको इंटीग्रेट कर दो क्योंकि अब वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, इधर वी हो गया, एक बार और तोड़ सकते हो उसको, देखो माइनस वन अपॉन वी क्यूब तोड़ दो और यहाँ से तोड़ दो माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब, कितना आएगा वन बाई वी, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, डी वी इज इक्वल टू हो गया डी एक्स बाई एक्स। चलो अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट, चलो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने पे कितना आएगा, तो ध्यान से देखना इंटीग्रेट करने पे कितना बनेगा, इसको इंटीग्रेट किया जाए तो माइनस वन अपॉन वी क्यूब है, आप वन अपॉन वी क्यूब का करिए कितना होगा, वी का पावर माइनस थ्री, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री प्लस वन, सही है, कितना आएगा वी पावर माइनस थ्री प्लस वन कितना हो गया माइनस टू और यहाँ कितना हो गया माइनस टू, कितना आया माइनस वन अपॉन टू वी स्क्वायर, सही है कि नहीं, यहाँ आएगा माइनस वन अपॉन टू वी स्क्वायर, माइनस पहले से है तो प्लस वन अपॉन टू वी स्क्वायर, ठीक है, वन बाई वी का कितना होगा लॉग वी, ठीक, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस कोई कॉन्स्टेंट क्या मानने वाले हो लॉग ऑफ सी, ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद इतना मिला हमें। अब देखिए वन अपॉन टू वी स्क्वायर सब कुछ तो ठीक चल रहा है, वन अपॉन टू वी स्क्वायर लॉग ऑफ माइनस से उधर भेज दें प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स हो गया लॉग ऑफ सी हो गया, कितना मिलेगा लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इन टू एन और फिर से इसके साथ लगा देंगे लॉग एम लॉग एन, तो कितना बन जाएगा वी एक्स और सी और वन अपॉन इधर कितना हुआ टू वी स्क्वायर, ठीक है, वी एक्स सी इज इक्वल टू लॉग है इधर भेज दो ई टू द पावर कितना हो जाएगा वन अपॉन टू वी स्क्वायर हो जाएगा और पुट वी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स फिर से रख दो तो यहाँ रख दो वाई बाई एक्स एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू और यहाँ फिर से रखेंगे तो y स्क्वायर अपॉन कितना होगा x स्क्वायर होगा, सही है, अब x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ये तो कट गया तो वाई सी इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर x स्क्वायर अपॉन टू वाई स्क्वायर, तो हमारा ये देखो ये क्या रहा ये हमारा डिजायर्ड आंसर रहा, ठीक है। तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले मैंने ऐसा कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन बना लिया, फंक्शन बनाने के बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ तो वाई इक्वल टू वी एक्स पुट किया, डिफरेंशिएट करके यहाँ सारे टर्म हटा के हटाने बढ़ाने के बाद देखो यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने के बाद देखे कि अब नॉर्मली इंटीग्रेट हो सकता है तो हमने इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करके देखा और जहाँ तक इंटीग्रेट हो सकता था कर दिया, करने के बाद सॉल्व करके वी की वही वैल्यू रख दी वापस जो हमने शुरुआत में उठाई थी उसको वापस रख के सॉल्व कर लिया, ठीक, नोट कर लो फिर हम लोग आगे बचे हुए क्वेश्चंस लगाए जाए, ठीक, स्क्रीनशॉट लेके रखो आगे चला जाए, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा हुआ है प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, कुछ एरर है क्या? हाँ बिल्कुल, कुछ तो एरर है। एरर ये है कि यहाँ माइनस है, ठीक। आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ माइनस है, ठीक। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। सोल्यूशन, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, आप इस पार्ट को उठाकर उधर भेजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम डी वाई बाई डी एक्स बराबर बनाना चाहते हैं। डी वाई तो यही है, उधर भेजे तब ना डी एक्स होगा, अपान मिला देंगे डी एक्स को। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई स्क्वायर डी वाई छोड़ दो, ये वाला पार्ट यहीं छोड़ दो, इज इक्वल्स टू इसको उधर भेज दो। तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब डी एक्स कितना आएगा, एक्स वाई स्क्वायर। इस माइनस को हटाने के लिए अंदर वाई क्यूब और एक्स क्यूब को ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ना। एक्स क्यूब यहाँ हो गया डी एक्स। अब देखो जरा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो ऊपर डिग्री तीन है, नीचे डिग्री भी तीन है, तो बन गया ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्या लिखेंगे, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करेंगे इसके बाद, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, वी प्लस एक्स डी वी बाई टी एक्स। ये हमारा इक्वेशन वन रहा, ये इक्वेशन टू रहा, ये इक्वेशन थ्री रहा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसके आगे सॉल्व किया जाए। ये तो हमारा इक्वेशन हो गया, आइए इसके आगे चलते हैं, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई उठा कर रख दो, लिखो यूजिंग टू एंड थ्री इन वन, पहले में यूज कर दो दूसरे और तीसरे को, लाके यहाँ रखो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितना आएगा ये, एक्स क्यूब कॉमन वी क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब वी, ठीक है। अब ये एक्स क्यूब खत्म, कितना आएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई वी, ठीक। अब कितना आएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी क्यूब माइनस वन, वी इधर लेके जाओ तो माइनस वी। अब कितना आएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी क्यूब माइनस वन, और यहाँ भेज दो तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, वी हो गया, ठीक है। सॉल्व हो गया ना, इधर वी स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर बाई वी हो गया, ठीक। अभी देखिए, अभी क्या करना चाहिए हमें, अभी v को इधर और डिवाइडेड बाई समथिंग मुझे इधर करना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं फिर से, वी क्यूब माइनस वन सही है ना, इतना वी क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई वी है, v बचा वी स्क्वायर बचा था, वो चल रहा है क्या यहाँ पे, ये वी स्क्वायर था ना, एक्स क्यूब वी स्क्वायर था, यहाँ वी स्क्वायर रखा हुआ है, ये वी स्क्वायर है, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वी स्क्वायर होगा, ठीक, वहाँ वी स्क्वायर बचा हुआ था। कितना आ जाएगा, वी क्यूब माइनस वन इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वी क्यूब डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, देखो वी क्यूब से वी क्यूब कट गया, क्या बचेगा, माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इधर ला दो इसको, माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस वी स्क्वायर आएगा, डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। अब क्या करना चाहिए, इंटीग्रेटिंग, लिखो इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर डी एक्स बाई एक्स, कितना आएगा, माइनस बाहर हो गया, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, वी क्यूब बाई थ्री, ठीक, इज इक्वल टू कितना, लॉग एक्स प्लस कितना कर दें, लॉग सी कर देते हैं, चलो लॉग सी कर देते हैं, कॉन्स्टेंट लॉग सी मान लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा ना जल्दी से, लॉग सी हो गया। अब देखो माइनस वी क्यूब बाई थ्री तो है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वन बाई थ्री। अब एक काम करना, वी की जगह पे फिर से वैल्यू रखो, कितना था, वाई क्यू अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि वाई वाई एक्स था तो वाई क्यू अपॉन कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया, इज इक्वल्स टू कितना होगा, लॉग एक्स प्लस लॉग सी मतलब लॉग ऑफ एक्स सी, सही है कि नहीं, लॉग ऑफ एक्स सी, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो एक्स सी को वहीं छोड़ दो, लॉग इधर आएगा तो ई टू दी पावर कितना आएगा, माइनस वाई क्यूब अपॉन थ्री एक्स क्यूब आएगा। देखो ये रहा हमारे सवाल का आंसर, ठीक। देखो सवाल में दम नहीं है, सवाल में बस प्रॉब्लम यहाँ है कि आप जल्दी से बस कन्वर्ट कर लें, और कन्वर्ट करके आप उनकी वैल्यूज पुट कर दें, वाई इक्वल टू वी एक्स पुट कर लें और फिर सॉल्व कर जाएं उनको, ठीक। सवाल में इतना ही दम है, ठीक है। इतना रखने के बाद देखा हमने आसानी से इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट आसानी से कर लेना है, हमने बताया कि इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन तो भाई आना ही चाहिए फिर तो, ठीक। सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है, नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हमें लगता है एक क्वेश्चन और बचा होगा इस टाइप का, ठीक। मैंने होमोजीनियस के ढेर सारे क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपको होमोजीनियस में कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में होमोजीनियस क्वेश्चन आते हैं इसलिए,
ठीक, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही तरीका, सेम तरीके सब में सेम लगने हैं। ठीक, एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, बाकी आप किताब से सवाल लगाते रहिएगा, फिर मैं होमोजीनियस खत्म करूँगा और मैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए डी वाई यहीं छोड़िए, क्योंकि डी वाई तो पहले से इधर है, इसको उधर लेके जाइए, या इसको भी हम लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, माइनस में उधर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उधर लेके चले जाओ। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू, उधर कर दो एक्स क्यूब वाई क्यूब, और यहाँ कितना हो जाएगा डी वाई। सही है, हमको डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, तो डी एक्स को इधर लेके जाते हैं, तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इसको फिर इधर भेजना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सही है क्या, इधर मल्टीप्लाई करेगा डी वाई से, इधर मल्टीप्लाई करेगा डी एक्स से। ठीक है, तीन डिग्री ऊपर तीन डिग्री नीचे, सिंपल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया, तो सिंपल, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। चलो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो क्या करना चाहिए अब, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, सो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये इक्वेशन हमारा कौन सा होगा, ये वन होगा, ये इक्वेशन टू होगा, ये इक्वेशन थ्री होगा। नाउ, ठीक, नाउ पुटिंग टू थ्री इन इक्वेशन वन, चलो पहले में रख दो, ताकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना, एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर तो सही है, यहाँ हो जाएगा वी एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब, वी क्यूब एक्स क्यूब, वी क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ वी क्यूब एक्स क्यूब, अब देखो ये कितना आएगा, वी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब वन प्लस वी क्यूब, कट गया, वी अपॉन वन प्लस वी क्यूब, वी अपॉन कितना आएगा, वी अपॉन वन प्लस वी क्यूब बचा हुआ है, उसको लिख देंगे यहाँ, वी अपॉन वन प्लस वी क्यूब बचा हुआ है, उसको लिख देंगे। इधर से क्या मिलेगा, इधर से मिलेगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना, वी अपॉन वन प्लस वी क्यूब, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, वी अपॉन वन प्लस वी क्यूब माइनस वी, इधर आ गया। ठीक है, कितना बचेगा देखो, यहाँ से एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस, वी का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वी, और यहाँ करोगे तो माइनस वी टू द पावर फोर, और डिवाइडेड बाई वन प्लस वी क्यूब। सही है, तो कैंसिल हो गया। ठीक, अब बताओ ये यहाँ तो इधर गया, कितना आया, वन प्लस वी क्यूब अपॉन वी टू द पावर फोर, और माइनस साइन इधर रहेगा ही, माइनस के साथ आएगा ना इधर, जब ट्रांसफर होगा तो माइनस के साथ होगा, और डी वी यहाँ बचेगा इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स होगा। सही है, अब क्या करना चाहिए, बांटना इसको, वन अपॉन वी टू द पावर फोर माइनस, यहाँ से देखो वी तीन बार ऊपर चार चार बार नीचे, एक बार नीचे बचेगा, हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई कितना एक्स। सही है, वेरिएबल सेपरेट हो गए, लिखो इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट, चलो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, अब यहाँ देखो वन अपॉन वी टू द पावर फोर है, आप वी टू द पावर माइनस फोर लिख सकते हैं ऊपर ले जाके, अब वी टू द पावर माइनस फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस फोर प्लस वन कितना बचेगा, वी टू द पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, तो माइनस वन अपॉन थ्री वी क्यूब इतना आएगा हमारे पास, माइनस वन अपॉन थ्री वी क्यूब, माइनस पहले से है तो प्लस वन अपॉन थ्री वी क्यूब हो जाएगा, और माइनस इधर कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ वी, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ एक्स, प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ सी। सही है, इतना तो ठीक है, इतना सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आएगा, वन अपॉन थ्री वी क्यूब, लॉग ऑफ वी को उधर लेके जाओ, प्लस में हो जाएगा, तो लॉग ऑफ वी प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, अब कितना बनेगा, वन अपॉन थ्री वी क्यूब इज इक्वल टू, ये तो सब साथ में हो गए, एक्स वी और सी। सही है, एक्स वी सी सब साथ में हो गए, तब देखो तब क्या करोगे, अब ये लॉग है और यहाँ एक्स वी सी है, तो एक्स वी सी लॉग को भेज दो ई टू द पावर वन अपॉन कितना हो जाएगा, थ्री वी क्यूब, हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स था, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा, रख दो वहाँ पे y बाई एक्स इंटू सी, और यहाँ भी e टू दी पावर वन अपॉन थ्री वाई क्यूब अपॉन कितना, एक्स क्यूब। ठीक है, ये तो कट गया, ये आ गया वाई सी इज इक्वल टू e टू दी पावर, उल्टा होगा तो कितना बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री वाई क्यूब, बात समझ गए। ठीक, ये देखो ये हमारा आंसर था। ठीक है, सवाल के तरीके सब में एक ही थे, बस आपको करना क्या, बस आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, यहाँ तक तोड़ना मरोड़ना अच्छे से काट पीट के सॉल्व करना, वो सारा बिल्कुल रटा हुआ स्टेप होना चाहिए। ठीक है,
तो हमने होमोजीनियस के कई सवाल लगा लिए, पिछले लेक्चर के वीडियो में भी लगाए थे, आज हमने होमोजीनियस के सारे सवाल लगा दिए हैं जो नॉर्मल होमोजीनियस के सवाल थे। ठीक, हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना छूट जाएगा क्वेश्चन। ठीक, लिखिए, सवाल ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनको लगा के अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सवालों पर थोड़ा जोर ज़्यादा दीजिएगा, सवाल आप किताब से लगाइए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, किताबों से बहुत भय लगता है, डर लगता है, या डायरेक्ट किताब नहीं उठाना चाहते, पहले वीडियोस को देख लें, जितने सवाल लगवाए गए हैं उतने सवाल लगा लें, लगाने के बाद आप किताब उठाएंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म पे होंगे, उनको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें और बची हुई हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के इस पार्ट में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।